भाई अजीज और आप देख रहे हैं मेरे साथ पीपीटी न्यूज। सपा सरकार और उसके कार्यालय के भ्रष्टाचार का नमूना अगर आपको देखना है तो आइए जौनपुर में। जी हाँ, सपा सरकार के कार्यालय के 5 वर्षों में निर्मित जौनपुर में मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के अजोशी उप स्वास्थ्य केंद्र जंगल और झाड़ियों में तब्दील हो गया है। हालात ये है कि भवन की छत फट गई है। जब इसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने मछली शहर सांसद रामचरित निषाद से की तो उन्होंने इस पर कड़े तेवर इख्तियार कर लिए। सांसद ने अपने प्रतिनिधि डॉक्टर विजय चंद्र पटेल को मौके पर औचक निरीक्षण कर मामले की जानकारी के लिए कहा। वहीं सांसद प्रतिनिधि ने स्वास्थ्य केंद्र पर मिली खामियों को देख मड़ियाहू अध्यक्ष को मौके पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई। साथ ही जल स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने के लिए आश्वासन दिया। लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ अस्पताल जो मीठे पार के नाम से बना है, सरकारी बिल्डिंग, वो 7 साल पहले बना है और आज तक उसमें ये लोग शिफ्ट नहीं कर पाए। स्वास्थ्य विभाग की गलती रही, इतना दिन गवर्नमेंट का पैसा लगा, बना अस्पताल, उसमें शिफ्ट न करके ये ट्रस्ट वाले अस्पताल में चला रहे हैं। इसकी दिवाले वाले वगैरह फटी हैं, यहाँ भी अस्पताल चलने लायक नहीं है। तो इससे पहले के जो CMO रहे, यहाँ के सुपरिंटेंडेंट रहे, टोटल इनकी फॉल्ट रही कि क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर अस्पताल को हैंडओवर क्यों नहीं हुआ। और दूसरा, जैसे अभी हमारे राजीव जी बता, राजीव नाम ना आपका, राजीव यादव जी बता रहे हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन में हम ट्रांसफ़र करवा देंगे, और अभी तक न ट्रांसफ़र होने की वजह, ट्रांसफ़र करवा पाने की वजह बता रहे हैं कि ठेकेदार ताला बंद करके चला गया और मिल नहीं रहा है, और कुछ कमियां उसमें, कुछ कमियां हैं। तो ये कमियां समझ में नहीं आती कि कोई कमी 4 साल 5 साल तक ठेकेदार ताला बंद कर दे, स्वास्थ्य विभाग हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे। ये तो टोटल लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के यहाँ के CMO की है, सुपरिंटेंडेंट की है। इसके बारे में माननीय योगी जी तक बात जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री तक बात जाएगी कि अगर ऐसे अस्पताल चलेंगे जैसे सपा राज में चल रहे हैं तो किस तरह का परिवर्तन जनता देखेगी और जनता को क्या फायदा मिलेगा। ये बना है 2014-15 में बना है, और उसके बाद से कुछ कमियां के चलते इनको रोका गया था और ठेकेदार को समय दिया गया था कि इसको बना करके फिर से हैंड ओवर करें तो वो पूरा काम हो जाता है। इसके बाद अभी से हम लोग लग करके बहुत जल्दी इसको करवा के चाहेंगे कि इसका लोकार्पण कर दिया जाए। नहीं, 7 साल से नहीं बना है, 2015 से बना है। अभी तक ही नहीं हुआ ये, ठीक, कुछ कमियां निकल गई थी उसमें, इसलिए उसको फिर से दोबारा बनवाने के लिए दिया गया। जैसे बाउंड्री वाल गिर गई थी और वो पानी की टंकी और भी कई कमियां थी, तो फिर से ठेकेदार को दिया गया कि आप इसको बना के वापस करिए। सुनने में ठेकेदार फरार हो गया है, अब जब फरार हो जाएगा तो खोज लिया जाएगा, कहाँ फरार होगा वो, तो खोजने के आपको तैयार करना चाहिए था। वो JEE के तरफ से उनके उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक हफ्ते में यहाँ उद्घाटन होने वाला है, तो 1 हफ्ते में क्या 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 हिसाब है? 1 हफ्ते में तो कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा समय लेगा उसमें बनने में, काफी काम देख रहा हूँ कि बाकी है अभी।